अब मैं वैश्य समाज से थोड़ा सा ऊपर जाता हूं
आम नागरिक आपको अच्छे भारत का हक है। हमारी पुलिस जो कि विधि व्यवस्था के तहत आपका अपराध का संज्ञान लेने के लिए अच्छी व्यवस्था के लिए और आपको न्याय देने के लिए बनी है, आप पुलिस का काम करने के लिए या जमीनी हालात डिफरेंट नहीं है। हमारे राजनेताओं ने आजादी के 75 साल के और 77 साल के बाद भी आपके तंत्र स्थापित किया था। ये वही तंत्र है जो अंग्रेजों ने आम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और प्रक्रिया में सुधार वर्षों वर्ष उत्पीड़ित बनाए रखने के लिए बनाया था। छोटे से छोटे अपराध को पहले सुनवाई नहीं हो रही है, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, छोटे सच्चे लोगों को कोर्ट में चालान किया गया, वो जो है वर्षों बरस तक कोर्ट कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें न्याय अभी 3 नए कानून बने हैं। कितने लोगों को मालूम है कि 3 नए कानून आए? मालूम है। तो देखिए, हमारा समाज जो है बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन 3 नए कानून आए जिनकी आत्मा नहीं बदली है। इट इज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, अभी भी आप गुलाम। क्या आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि हम सब गुलाम हैं? हमारे ऊपर अंग्रेजों का गुलामी और शोषण करने वाला तंत्र खोल के रखा है, जिसकी वजह आपको न्याय देना है। क्या वर्तमान व्यवस्था के तहत आपको न्याय मिलेगा? दो बातें हमारे किशोर रावी जी ने कहा है, मैं उन सबकी तारीफ करता हूँ, राजीव गुरुवाल जी ने कहा उसकी भी तारीफ करता हूँ, लेकिन मेरा कहना है उससे आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा। ये 15 लोग आपके घर चले जाएंगे, उसके दबाव पर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगा, लेकिन ऐसे भारतवासियों इस देश के सुगंध मांगने के बताए रिकॉर्ड आपको अच्छे भारत का हक है कि नहीं है? आप लोग अच्छे भारत का हक चाहते हैं कि नहीं चाहते? यदि मैं कहूं कि ये 9 दिन में संभव है और 21 महालक्ष्यों के साथ आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, देश मुक्त भारत भी मिलेगा, कर्ज मुक्त भारत भी मिलेगा और फंडामेंटल राइट मिलेंगे, फंडामेंटल राइट टू रोजगार, और उसे बीमार होने के पहले स्वस्थ कर दिया जाएगा। आपकी उम्र जो भी हो, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 120 वर्ष, जिस दिन आप संस्थान घाट पर जाने वाले होंगे, आप आईसीयू से संस्थान घाट पर जाएंगे, आप अपने पैरों पर चल के संस्थान घाट जाएंगे, ऐसा हेल्थ का मौलिकता, भोजन का मौलिकता, इसमें भारत के सबसे गरीब व्यक्ति जिसके खीसे में पैसा नहीं है उसे भोजन का मौलिकता होगा। ये भोजन क्या है? भोजन में अकेला अन्न नहीं है, फल है, सब्जियां हैं, दूध है, घी है, शहद है, जीवन भर तक औषधियां है और भारत के उस नागरिक को भी मिलेगी जिसके खीसे में एक पैसा भी नहीं है और कोई भी चीज उसमें नहीं दी जाएगी, वो आपके डेबिट अकाउंट पर अकाउंट की जाएगी और यदि आपके अर्निंग अकाउंट से उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है तो सिस्टम जो अभी आपको नोटिस देता है कि आप आइए, यदि आप नहीं पहुंचे तो हम आपको जाना वारंट जारी करेंगे, आपको जेल में घुस देंगे, आपकी संपत्ति पर है नीलाम करा देंगे। ये नया सिस्टम, इसकी चर्चा होगी, ये आपसे बहुत करेगा कि
आप जो है भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी समस्या के समाधान के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। तो कृष्ण मुरारी जी को अपने दफ्तर में नोटिस देने नहीं बुलाया और वारंट की धमकी नहीं देता, और वो आपको आपकी जो भी हुनर है शिक्षा है उसके आधार पर आपसे चर्चा करने चला जाएगा कि आपको आपका धन कैसे बनाया जाए, आपको क्या प्रश्न देना है, आपको क्या पूछ लेना है, किन पूछ में आपको भरंगत बनाना है, और फिर आपको टीम में बनाकर एक पीछे जो है साइकोलॉजिकल मॉडल बनेगा, एक कंपनी रहेगी, आयोग रहेगा, वो जो है आपको किसी बनिया के है जाके आपको भारत सरकार का निर्माण होगा, उतना भारत के पास नहीं जो कि डिजिटल करेंसी होगी वो ऑटो जनरेट होगी। आरबीआई बस जैसा होता है कि आरबीआई टू होगा इस आपको देखने के लिए, तो बताओ देश कि भारत सरकार के ऊपर क्या आपको 21 आदर्श देने के लिए और 5 फंडामेंटल राइट देने के लिए क्या भारत सरकार के ऊपर कोई खर्च आएगा? बताइए उल्टा धन का निर्माण होगा ऐसा आपको भारत चाहिए? क्या ये अद्भुत भारत हमारे देता चाहे वो वेस्ट कम्युनिटी के लिए जुड़ना हो, क्या मुझे ऐसा भारत देने का सोच चिंतन क्षमता रखते हैं क्या? बताइए आप रखते हैं नहीं रखते हैं? तो होता है कि आपको ये महाप्रवर्तक भारत कैसे मिलेगा, जहां पांच फंडामेंटल राइट के साथ आपको एक छठवां फंडामेंटल राइट भी मिलेगा जिसका नाम है फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी। ये नेता आपको खुद बना के गरीबी की बात करते हैं, हर कह रहे भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा, हर सबके पास 20 करोड़ पैसा पहुंचेगा। भारत सरकार से हमारी शर्त है कि वो जो है 5 साल में हमारे देशवासियों को टैक्स से मुक्त करें। अब यदि आप टैक्स से मुक्त हो जाएंगे तो आपका जीवन विशेष तौर पर धनियों का जीवन कितना आसान हो जाएगा। आज आपको हर कोई विजय में और छापा मारता है, हम जैसे अधिकारी जाते हैं और आपके यहाँ डकैत करके लुटाई करते हैं, फिर सारा पैसा जमा रख सकते हैं वापस मिल जाए। यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1 करोड़ बनना चाहिए तो आपको एक संकल्प और शपथ लेना होगा। यदि आप अपने संकल्प और शपथ को
तो मैं आपसे 10 मिनट आपको महाभारत भारत इन्हीं वाणी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बताना चाहिए आपको नहीं चाहिए इन्हीं वाणी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपको मैं एक चीज बहुत बता दू माननीय नरेंद्र मोदी जी आपका अच्छा भारत कभी नहीं रहेंगे जब तक हम मैं व्यवस्थित नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा हूँ ये व्यवस्थित करने की बड़ा सॉफ्टवेयर है हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत भी करना होगा अब तो 240 सीट पर सिमट गए हैं उनकी हर चीज में कॉन्फिडेंस की गिरावट आ रही है वो लोग पार्टी के सदस्य भाजपा के ऐसे सदस्य उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और 10वें दिन वो 21 महारक्षों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल लाइन के लिए 5 टास्क फोर्स खड़ा रहेंगे बस उतना ही उसे कराना है बाकी काम मैं अपने घर को खुद करेंगे क्योंकि उसके मॉडल और टेक्नोलॉजी का नाम है अब ये बातों से काम नहीं चलेगा मैंने एक सेंटर और सबक की बात कही है मैं उसे दोहरा हमारी मुख्य रिलेटिव पार्टी आईएएस आ गए हैं उनके साथी भी आ रहे हैं प्लीज स्वागत है सॉरी मैंने बीच में क्वेश्चन किया आइए सर आइए बिल्कुल स्वागत है हम लोगों का आदित्य जी विवेक जी विवेक गुरुवाल आप लोग विवेक त्रिपाठी त्रिपाठी आइए आ जाओ सर उपेंद्र भी उपेंद्र 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 जी अरे भाई तो विवेक त्रिपाठी जी का स्वागत हो रहा है मैं आपको अपने मूल मुद्दे पर आपको ले जाता हूँ तब से आपको इन्हीं पार्टी नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से महापरिवर्तन सकता है मैं आपके सामने 2 मिनट के अंदर एक प्रूफ करूंगा कि हाँ ये ड्यूएबल है लेकिन आपको अपना संकल्प करना होगा और जो हर छोटा है केवल 9 दिन का है इसके तहत आपको कैसे भारत मिशन ऐप से अपने परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदार अपने मित्र अपने पड़ोसी जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं जिन संगठनों के सदस्यों को जिन ग्रुपों से आप जुड़े हुए हैं उन ग्रुपों के ऊर्जा और सदस्यों को आपको आय प्रणाम करना है और उन्हें संकल्प और समर्थन अब देखिए मैं इसका रेखा प्रश्न करता हूँ यदि हमें माने कि हमें इसी मंच पर हमने अभी एक प्रभाव प्राप्त किया और मंच पर बैठे हुए दो लोग हमसे प्रभावित होकर उन्होंने संकल्प किया समर्थन किया कि वो 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए संकल्पित है मैं ना तो उनको अपनी संकीर्ण जाति सोच से बाहर निकल रहा हूँ ना मैं उनको अपनी संकीर्ण संप्रदाय सोच से बाहर निकल रहा हूँ ना मैं उनकी संकीर्ण धर्मांतरण से उनको बाहर निकल रहा हूँ और ना ही मैं उनको संकीर्ण राजनीतिक सोच से बाहर निकल रहा हूँ आप इन संकीर्णताओं के साथ ही हम आपको महाभारत का स्मारक करेंगे आपको केवल 10 लोगों को जोड़ना है तो ये 10 लोग होंगे पर प्लस आए यानी दूसरे दिन 100 होंगे तीसरे दिन 1000 चौथे दिन 10000 पांचवें दिन 1 लाख पांचवें दिन 1 लाख छठवें दिन 10 लाख सातवें दिन 1 करोड़ आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़ आपको होगा ये 100 करोड़ कैसे हो जाएंगे तो 100 करोड़ देखो पहले 140 करोड़ में से आपने 40 करोड़ मैसेज कर दिए 100 करोड़ में से जो 90 करोड़ नौवे जो लोग हैं उनको कोई जोड़ने का स्कोप नहीं है इसका मतलब है 130 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना 800 जो केवल 9 करोड़ लोग हैं उन्हें 10 करोड़ केवल 10 करोड़ जो 7वें दिन 90 लाख लोग जोड़ रहे हैं उन्हें 20 करोड़ को जोड़ना सर थोड़ा सा और लोगों के प्रोग्राम करना चाहिए जैसे आप आगे रखिए ये परिवर्तन का मामला है ये प्रिंसिपल नहीं है ये परिवर्तन का मामला है ये मेरा मामला नहीं है ये मेरे बोलने का मामला नहीं है ये इनकी जिंदगी का सवाल है इनको क्या दस में दिन महापरिवर्तन भारत मिलेगा ये सवाल है तो यदि आप 100 करोड़ होंगे तो बड़ा आसान काम है जिसमें 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है क्या आप अपने आप को जो को सुरक्षित आपकी बहु बेटियों को आपके हाथों के सामने
संभाल के रहना हमें कभी नहीं मिल पाया, उसको देने की कोई क्षमता नहीं है। तो क्या मैं आप लोगों से अपेक्षा करूं कि आप लोग जिन भी ग्रुपों में हैं उसमें हमारा ये नंबर जो मैंने आपको बताया है उसको जोड़ दीजिए, यदि संभव है तो एडमिन बना दीजिए। मैं आपको एक वीडियो करता हूँ उसमें एक लाइब्रेरी भारत समय आपकी लिंक है उसको क्लिक करके आप जुड़ जाइए, 10-10 लोगों को जोड़ने का, और वो भी बाहरी लोगों को नहीं जोड़ना है, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, विभिन्न संगठनों और ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, इसके पूजा पाठ 10 लोगों को जोड़िए। 10वें दिन आपको यही नरेंद्र मोदी जी अपने लाभ के लिए महाप्रवर्तित भारत देंगे, और जो हमारे राजीव गुरुवाल जी और कृष्ण गुरुवाल जी कहते हैं मैं आपको आश्वस्त करता हूँ वो कानून भी आपको बदल के आपको मिल जाएगा। जय जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत अच्छी बात कही है। एक बात कहना हमारे डीडीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, इसका प्रोग्राम एक बार अलग से रखना है, पूरे दिन की बात चलेगी तब समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आईपीएस एक आईएएस का फर्क कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कई लोग हैं सबको जल्दी है।